अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ उमर अदीज और आप देख रहे हैं यू आर अदीज। जैसा कि आपको पता है कि बनारस एक बहुत ही प्राचीन शहरों में आता है और आप यहाँ पे अगर राम रहता है तो यहाँ पे रहमान भी रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गंगा की बहती धाराएं, ये बनारस है। वहाँ पे देखिए आप, वो डुबकी लगाते लोग बनारस है। और ये बहुत ही प्राचीन शहरों में गिना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन हुआ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए थे और यहाँ पे देव दीपावली मना के गए हैं। तो ये सबसे प्राचीन शहरों में आता है और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ रहते हैं। और जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं वो यहाँ पे नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू मुसलमान रहते हैं वो आपस में मिलकर रहते हैं और उनको कोई बांट नहीं सकता। और आइए जानते हैं, यहाँ पे कुछ पंडित जी लोग हमारे साथ हैं और यहाँ पे कुछ मुसलमान भी हैं, तो सबसे जानेंगे कि क्या यहाँ पे हिंदू मुसलमान की राजनीति वो कर पाते हैं या नहीं। सर जी, आपका नाम? तो आपसे ये जानना था कि अभी जो मठ यहाँ पे कहाँ पे, एक मठ यहाँ पे जो है वो कितना प्राचीन है? वो बहुत पुराना। फिर भी कितना? रामानंद स्वामी का है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तो वो देव दीपावली मनाए गए। तो ऐसी ही देव दीपावली हर साल मनाई जाती है या फिर हमारे प्रधानमंत्री के आने के? नहीं, हर साल। तो यहाँ पे परंपरा है, यहाँ पे एक ये बात कही जाती है कि यहाँ पे बनारस में हिंदू मुसलमान आपस में मिलकर रहते हैं। तो क्या ये सत्य बात है या फिर राजनीति, जो राजनेता है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति यहाँ पे कर लेते हैं? नहीं, सत्य बात है, ये सत्य बात है कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान साथ में रहते हैं जी। और एक यहाँ पे धरहरा मस्जिद है। धरहरा मस्जिद आप बता सकते हैं किसने बनवाया था और कितनी पुरानी? ऐसा है कि औरंगजेब ने जो है बनवाया था और यह धरहरा के नाम से मशहूर है। तो यहाँ पे घाट जो है लगभग माने जाते हैं कि हजारों घाट हैं। तो ये घाटों का जो जी, ये पंचगंगा घाट है, यहाँ पांच नदियाँ बहती हैं, गंगा, सरस्वती और जमुना और धुतपापा, किरणा, पांच नदियाँ। आप हमें मठ बता सकते हैं कहाँ पे? हम जरा उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले। ऊपर आओ। ये देखिए यहाँ पे ऊपर दिखाइए, श्री राम भक्ति परंपरा एवं रामानंद संप्रदाय की मूल आचार्य पीठ श्रीमठ। ये पंचगंगा घाट यहाँ पे माना जाता है। लोग हमने लोगों से सुना कि ये पंचगंगा घाट है और यहाँ पे एक मठ है और ये मठ बहुत ही पुराना है। आइए पंडित जी से पूछते हैं कि ये कितना पुराना है। ये कब का है पंडित जी? 722 जयंती हुआ। आपसे एक सवाल ये पूछना था कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं कर पाते, जो बड़े बड़े राजनेता है, तो क्या ये सत्य बात है या फिर यहाँ पे भी हिंदू मुसलमान आपस में कट्टरपंथी हैं और वो एक दूसरे को लड़ाई करने पे लगे रहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, नहीं। आप क्या हम एक दृश्य ले सकते हैं अंदर का? जी आइए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर राम रहता है तो रहीम भी रहता है, यानी हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर यहाँ पे रहते हैं
और उसी की एक निशानी हम आपको दिखाने आए हैं। यहाँ पे धरहरा मस्जिद है। ये मस्जिद लगभग 1669 में मुगल एम्परर औरंगजेब द्वारा बनवाई गई थी। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान साथ में रहते हैं, तो ये पुराने मतलब प्राचीन शहर है और हमेशा से यहाँ पे हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। तो इसलिए अगर यहाँ पे मस्जिद है तो यहाँ पे मंदिर भी है। यहाँ पे धरहरा मस्जिद अगर हमने आपको दिखाई, तो हमने इससे पहले आपको मठ भी दिखाया था। तो यानी जहाँ मस्जिद है वहाँ मंदिर है और सब लोग यहाँ पे मिलकर रहते हैं। आप जरा एक हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे हिंदुओं के लिए मंदिर है तो यहाँ पे मुसलमानों के लिए मस्जिद है। तो इसमें कितनी सच्चाई है हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे एक पंडित जी से हमने सवाल किया। आइए कुछ और लोगों से, कुछ यहाँ के रहने वालों से हम आइए सवाल करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ कब से हैं और क्या ये जो बातें कही जाती है कि बनारस बहुत ही प्राचीन शहर और यहाँ पे हिंदू मुसलमान साथ में रहते हैं। तो आइए हम कुछ लोगों से, यहाँ के दुकानदारों से भी यही सवाल करते हैं और देखते हैं उनका क्या जवाब रहता है। कहते हैं कि अगर बनारस आए और बनारस की गलियों में आए तो क्या देखा फिर? बनारस की गलियां बहुत ही नामी गलियां हैं, क्योंकि यहां पे जो आता है वो बनारस की गलियों में जरूर आता है, क्योंकि यहां इतनी गलियां हैं कि लोग गुम हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और यहां पे हम एक चाय की दुकान पे रुके हुए हैं और ये भी कहा जाता है कि अगर बनारस आए और चाय की चुस्की ना ली तो फिर क्या लिया। पहले हम इनसे कुछ सवाल करेंगे, आपकी ये दुकान कब से है? ये 70 साल पुरानी दुकान है। नाम पहले अपना बताएं। वंशल यादव। 70 साल पुरानी दुकान है, तो फिर आपके दादा या परदादा इस पे पहले? परदादा। हाँ, तो आपने यहाँ का माहौल क्या देखा? जैसे 70 साल पुराना, आप तो 20-22 साल के होंगे, तो आपने जैसे पहले यहाँ का माहौल देखा था वैसे ही आज भी है? बिल्कुल बदल गया है। क्या उसमें क्या चेंजेस क्या आए? दुकानें ज्यादा हो गई हैं, अब भीड़ भाड़ ज्यादा हो गया है। तो आप हमें चाय पिला दीजिए। तो ये भैया हमें चाय पिलाएंगे और हम आपको बताएंगे कि बनारस की चाय का स्वाद कैसा रहता है। वह तो पूरी पूरे दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में ये फेमस है कि बनारस जैसी चाय कहीं नहीं मिलती। वाकई में बनारस जैसी चाय कहीं नहीं मिलती। भैया आपके दुकान का नाम? सीताराम चाय स्टोर। छठेरी गली में ये सीताराम चाय की दुकान है और ये 70 साल पुरानी चाय की दुकान है। ये भैया केवल चाय का ही नहीं काम करते, यहाँ पे देखिए डोसा भी बना रहे हैं। ये दिखाइए भैया, डोसा का आपका काम कितना पुराना है? सर ये हमारा काम तो 500 साल पुराना है, हमारे पिताजी भी करते थे, अब हम कर रहे हैं। और ये डोसा बनारस का ओनली वन डोसा, फेमस डोसा है। आपके कहने का मतलब ये कि सिंगल पीस ऐसा डोसा कहीं नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डोसा विश्वनाथ डोसा के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? विश्वनाथ डोसा वाले के नाम से ये डोसा जाना जाता है।
तो ये विश्वनाथ डोसा के नाम से जाना जाता है। अगर आप कभी ठठेरी बनारस है और ठठेरी गली आए तो इनका डोसा और इनकी चाय पीना और खाना ना भूलें। कि क्या उनकी दुकानें कितनी पुरानी है और यहाँ पे जो हिंदू मुसलमान एकता का जो संदेश देते हैं क्या वाकई में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। जी भैया आपका नाम? काके पटेल। काके पटेल, ये दुकान आपकी फूल माला वाली यानी पूजा का सामान आप बेचते? भगवान जी के कपड़ा। कितना कितनी पुरानी ये दुकान है? 50 साल। 50 साल पुरानी दुकान है। इसके पहले आपके पापा या 6 पीढ़ी दुकान पहले की दुकान है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर बनारस आए और बनारस की गलियों में आए और यहाँ पे देखा जाता है, लोग कहते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर रहते हैं, तो क्या वाकई में एग्जिट करता है या फिर यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं लोग? सब एक है, सब एक है। तो यहाँ पे इस गली का नाम ठठेरी गली, इसमें केवल हिंदुओं की दुकान है या फिर मुसलमानों की भी दुकान है? बस हिंदुओं की दुकान है। तो फिर कारीगर है, बस बनाते माला वाला कपड़ा उन्हीं लोग बनाते हैं, यानी कि वो प्रोडक्शन करते हैं तो आप लोग बेचते हैं, तो फिर ये भी एक एकता का परिचय ही है। जी बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे अमन केसरी जी से और इनकी दुकान लगभग 50 साल पुरानी है और ये पूजा का सामान बेचते हैं। ये पूजा का सामान बेचते हैं लेकिन पूजा का जो ये सामान बेचते हैं ये बनाता है मुसलमान ही। तो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति जो करते हैं और हिंदू मुसलमान को आपस में बांटने की कोशिश करते हैं, दरअसल वो एग्जिस्ट करता ही नहीं बनारस में। बनारस में हिंदू अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है तो बगल में मंदिर भी है हिंदुओं का और मंदिर में पूजा करने जाता है। सामान जहां बनता है वहां लेके गए, बनारस की गलियों में लेकर गए। तो आपको इस वीडियो से क्या लगता है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं और यहाँ पे भी क्या हिंदू मुसलमान की राजनीति की जाती है? लेकिन हमें तो यही लगता है कि बनारस में अगर हिंदू उसका ताना है तो मुसलमान उसका बाना है, यानी दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं। आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यू आर अदीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।